भाई हम लोग रहेंगे नहीं तो आपको आइडियाज कौन देगा ये फाइनेंसिंग? अनुपम को पास कोई आइडिया होता तो कुछ और भी करता ना लाइफ। हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल डेली सफर। सो फ्रेंड्स, सोनी चैनल का बिजनेस रियलिटी शो शार्क टैंक इंडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जहां इनोवेटिव आइडियाज को मिल रहा है शार्क्स का सपोर्ट। लेकिन बीच में शो ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है जहां शार्क्स एक दूसरे के साथ नोकझोंक करने लगते हैं। आने वाले एपिसोड के प्रोमो में हमें देखने को मिला कि कारदेखो.com के CEO अमित जैन और शादी.com के फाउंडर अनुपम मित्तल के बीच शो में होगी नोकझोंक, जहां दोनों ही एक दूसरे पर बैड कमेंट्स करने लगे। जहाँ शुरुआत अमित जैन ने की कि उन्होंने अपनी अब तक 4 कंपनीज खोल दी है और अनुपम मित्तल एक ही कंपनी पर अटके हुए हैं, जिसके लिए अब खुद इन्वेस्टर्स नहीं मिल रहे हैं। ये सुनकर अनुपम मित्तल काफी ऑफेंड हो गए और उन्होंने जवाब में अमित जैन को कह दिया कि जिनको कोई नहीं जानता उसे चीख चीख के ये बताना पड़ता है कि वो 4 कंपनीज का मालिक है। भाई हम लोग रहेंगे नहीं तो आपको आइडियाज कौन देगा ये फाइनेंसिंग? अनुपम को पास कोई आइडिया होता तो कुछ और भी करता ना लाइफ। मैं 4 कंपनी बना चुका हूं, केवल इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टर मिलते भी नहीं है। भाई जिसको कोई नहीं जानता ना उसको छाती ठोक के बोलनी पड़ती है, मैंने 4 कंपनी बनाए। और इन सब में नमिता थापर उनकी लड़ाई में फन लेती हुई नजर आई, जिसकी वजह से कमेंट बॉक्स में लोगों के अपने व्यूज आने लगे। कुछ लोगों के कमेंट्स आए कि ये सब स्क्रिप्टेड है, कुछ कमेंट्स अनुपम मित्तल के खिलाफ थे तो कुछ उनके सपोर्ट में थे। किसी ने तो कहा कि यही कमेंट अगर अश्नीर ग्रोवर कर रहा होता तो ये ब्लंट जवाब होता, अगर ये अनुपम मित्तल दे रहा है तो वो स्क्रिप्टेड है। वहीं कुछ कमेंट्स आए जहां शार्क्स के ऐसे साइट की काफी अवहेलना की गई जनता के द्वारा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि कौन सा शार्क सही था और कौन गलत, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।